माँ वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक और खुशखबरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन से भैरव घाटी तक यात्री रोप वे की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू की है। भवन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है। वही माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब कम शुल्क में माँ वैष्णो देवी की अटका आरती में बैठ सकते हैं श्रद्धालु। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को दिया फैमिली पैकेज। फिलहाल 4 महीनों के लिए ये फैमिली पैकेज होगा। श्रद्धालु ऑनलाइन इस फैमिली पैकेज को ले सकते हैं। वहीं इस पर हम आपको अधिक जानकारी दें, देश विदेश से माँ वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को अब माँ वैष्णो देवी की सुबह और शाम को होने वाली अटका आरती में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नई सौगात दी है। श्रद्धालु जो है अब बेहद कम शुल्क में आरती में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ माँ वैष्णो की आरती में शामिल होने का सस्ता फैमिली पैकेज बनाया गया है। माँ वैष्णो देवी की सुबह व शाम को हर दिन दिव्य आरती होती है, जिसको अटका आरती कहा जाता है। फिलहाल ये पैकेज 4 महीनों के लिए होगा और इसके बाद फिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ये फैसला लेगा कि किसी फैमिली पैकेज को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। फैमिली पैकेज में 4 श्रद्धालु और साथ ही 2 बच्चों और जिनकी उम्र जो है वो 10 साल तक हो सहित आरती में शामिल हो सकेंगे और इस फैमिली पैकेज जो है ये श्रद्धालुओं को महज 5100 रुपए का भुगतान इसके लिए करना होगा। इस पैकेज में आरती में शामिल होने के साथ ही श्रद्धालुओं को भवन में ठहरने के लिए डॉर्मेट्री और माँ के प्रसाद की सुविधा भी निःशुल्क मिलेगी। इस पैकेज को लेने के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी होगी और इस बुकिंग के बाद ही श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी की अटका आरती में शामिल हो सकेंगे। जो श्रद्धालु आरती में यानी अटका आरती में बैठते हैं उनसे प्रत्येक श्रद्धालु से 2000 के हिसाब से लिए शुल्क किया जाता है। वहीं अभी तक इस साल में करीब 87 लाख श्रद्धालु माँ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जो आरती सुबह शाम माँ वैष्णो देवी के द्वारा होती है उस आरती में करीब 400 से 500 श्रद्धालु सुबह और शाम माँ वैष्णो देवी की पवित्र आरती में शामिल होते हैं।